ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं स्तन के आकार पर। मित्रों, मेरी कुछ बहनों ने मुझसे सवाल किया है कि हमारे स्तन का आकार कम ज़्यादा हो गया, हम क्या करें। मित्रों, अक्सर ये गलतियाँ हमारी कुछ बहनें कर लिया करती हैं, थोड़ी सी आलस या थोड़े से थकान की वजह से। आलस कम कहेंगे क्योंकि माँ बनने के बाद जो एक स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, जो जिम्मेदारी होती है, कई बार बहुत अधिक बढ़ जाती है। और जब कोई स्त्री अकेली हो संभालने वाली, तो उसके लिए काम बहुत अधिक हो जाने की वजह से कुछ आलस में और कुछ लापरवाही वशो कुछ चीज़ें कर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके स्तनों के आकार में कई बार गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। मित्रों, हमने बहुत सी माताओं मेरी बहन बेटियों को देखा है कि जो कई बार क्या करती हैं, एक ही साइड से बच्चे को दूध पिलाती रहती हैं, अर्थात एक ही स्तन से बच्चे को दूध पिलाती रहती हैं और दूसरे स्तन का इस्तेमाल वो कम करती हैं। अर्थात एक तरफ से वो 6-7 बार दूध पिलाएंगी तो दूसरी तरफ से 2-3 बार दूध पिलाती हैं, क्योंकि वो उनको लगता है मुझे ये कम्फर्टेबल लग रहा है, इधर से मैं कर दूँ, दूसरी साइड को रहने दूँ। तो ऐसी स्थिति में जिस स्तन पर ज़्यादा खिंचाव आता है, जिसकी मांसपेशियाँ ज़्यादा खिंचाव में रहती हैं, उसके जो आकार है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। और जहाँ जिसको इस्तेमाल कम किया जाता है, यानी कि जिस तरफ से दूध नहीं पिलाती हैं बहनें, उस तरफ का स्तन थोड़ा बड़ा हो जाता है। और कई बार इस कारण से दूध में कमी वृद्धि भी हो जाती है कि एक स्तन में अधिक दूध आता है, एक स्तन में कम दूध आता है, क्योंकि आपने वो अपनी असहजता बना ली है। ये हमने पहले भी बताया था कि यदि आप दोनों तरफ से समान दूध पिलाती हैं तो ही आपके स्तनों का आकार समान रहेगा, अन्यथा उसमें गड़बड़ हो जाती है। 19-20 से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एकदम से उसको बहुत अंतर दे दें, एक तरफ 2 बार पिला रहे हैं, एक तरफ 5-6 बार पिला रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, एक तरफ से 5 बार पिलाया, दूसरी तरफ से 6 बार पिलाया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप यदि इतना अंतर कर देती हैं तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए यदि आपको अपने स्तनों का आकार सही रखना है तो कृपया अपने पर थोड़ी सी सावधानी बरतिए। और थोड़ा सा यहाँ आपको थोड़ा सा आलस तोड़ना होगा कि बच्चे को आप भले दूसरी तरफ घुमा लीजिए, कुछ भी करिए, आपको करना ही होगा। या तो आप करवट लें, यदि आप लेट के पिला रहे हैं तो बैठ के पिला रहे हैं तो समस्या उतनी नहीं आती है, पर कई बार रात को पिलाने के समय समस्या बढ़ जाती है। तो रात को जब आप दूध पिला रही हैं तो ध्यान दें कि आप बच्चे को इधर उधर, आप इधर उधर हो जाएं तो बच्चे को इधर उधर करें, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हैं, और उसकी व्यवस्था बनाइए ताकि आप अपने शिशु को मात्र एक तरफ से दूध ना पिलाकर दोनों तरफ से दूध पिलाएं, जिससे आपके स्तनों का आकार सही रहेगा। और यदि ये आकार गड़बड़ हुआ है तो इसको सही होने में समय काफ़ी लग जाता है, क्योंकि बाकी तो आप जो हमने स्तन सुडोल स्तन करके 2 अंक दिए हैं उसमें आप चाहिए और उसके अनुसार थोड़ा पालन करिए, उससे आपको थोड़ा समाधान मिलेगा। लेकिन जो अंदर की मांसपेशियों में जो खिंचाव और जो आया जो स्थितियां बनी हैं वो तुरंत निकालना संभव नहीं होता है, इनको ऐसे ही हटाया नहीं जा सकता। ये क्रमशः धीरे धीरे सुने सुने ये अपनी जगह भरती हैं और ये पुनः पहले जैसा होता है, पर इसमें समय अधिक लग जाता है। इसलिए हम कहते हैं लापरवाही ना किया जाए तो आप समस्या में फंसने से बच सकते हैं। तो बचना है तो उतना करिए, और साथ ही वीडियो विवरण की वीडियोस देखिए, नियम पालन करिए, प्राणायाम करिए, उससे आप अपनी हर रोग को ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये जो वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट गर्भावस्था का अंग बनेगा, तो आप गर्भावस्था में और भी वीडियोस हमने दिए उनको देखिए, आपको पता चलेगा आपको क्या करना है गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के तुरंत बाद आपको क्या करना है, हमने सारी जानकारी दी हुई है। और इस वीडियो के विवरण में जो वीडियोस हैं उनमें मेरा नंबर भी है, तो यदि आपको बात करें तो फोन नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन नियम पालन प्राणायाम के बिना कॉल ना करें, अन्यथा निर्देश वही देना होगा। और यदि कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करें, जवाब जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।